मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगी पाटिल आज महाराष्ट्र के ठाणे में सभा को संबोधित करने वाले हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जारंगी के समर्थन में कई लोग उतर आए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अब आरक्षण को लेकर मनोज जारंगी की आवाज और बुलंद होती हुई नजर आ रही है। तो जी हाँ, कई जगह पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। और साफ तौर पर मनोज जारंगी ने यह भी कहा कि देखिए, मैं तो लोगों से अपील कर रहा हूं कि शांति से ही हम इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। और आपको बता दें, अब और ज्यादा बुलंद आवाज में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सबसे कहा जा सकता है कि बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती सरकार के लिए जरूर हो गई है कि अब सरकार आगे क्या कदम उठाएगी। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ओबीसी समाज के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे से तस्वीरें। हालांकि कई और जगह भी गए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सबको इस मुहिम में जोड़ा भी जा रहा है, आम जन का समर्थन मिल रहा है। हालांकि जब वो विरोध कर रहे थे, कई दिनों से मांग कर रहे थे, तब भी लोगों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन अब लोगों के बीच खुद पहुंच रहे हैं और संवाद भी कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल लगातार किशन ने सरकार क्या, क्योंकि अल्टीमेटम देखिए दिसंबर तक दिया गया था, अब इसी बीच क्या कदम उठाया जाएगा इस पर सबकी निगाहें। मनोज जारंगी पाटिल हमारे साथ मौजूद है, फिलहाल ठाणे शहर में पहुंचे हैं। सातवां दिन है आज के आपके दौरे का और ठाणे शहर पहुंचे हैं। आपको पता ही, ठाणे शहर मुख्यमंत्री का शहर है, आरक्षण को लेकर क्या रही रणनीति होगी शहर में? नहीं, मुख्यमंत्री को राज्य के ठाणे के, आप भी ठाणे के नहीं हो, राज्य के प्रमुख है, इसलिए वो ठाणे के आप भी नहीं हो सकते, बाद में हो सकते हैं, आप भी नहीं, वो सब जनता के, महाराष्ट्र के, और हम हमारे मराठा समाज को मिलने के लिए और संवाद करने के लिए आए हैं। और हम कहाँ भी जा सकते हैं महाराष्ट्र के, जिधर मराठा है उधर हम जा सकते हैं, पूरा महाराष्ट्र में मराठा है, हम जाएंगे जरूर। धाराशिव की सभा के बाद आप पर मामला दर्ज हुआ है देर रात सभा लेने का आयोजकों पर, क्या कहेंगे सरकार की ये कौन सी नीति है? ये देखो, हमने तो शांति का आह्वान समाज को करते, शासन प्रशासन वही करता है शांति रहे, रात दिन हम बाहर जाते हैं, समाज को बोलते हैं शांति रखो, और समाज वही करता है। आप धाराशिव में और सांगली में आप गुन्हे दाखिल कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं? हम तो शांति का आह्वान कर रहे हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि जो जाति तनाव निर्माण करना चाहते है उनके साथ आप खड़े हो रहे हैं। आपको ये लगता है क्या कि शांति ना रहे? आप ही उनको भेज दिया है, ऐसा लगता है महाराष्ट्र के लोगों को, अपने ही भेज दिया, आपको ही लगता है शांति ना रहे? हम तो शांति की बात करते हैं, हाँ, रात दिन करते, जो आपका शासन प्रशासन रात दिन काम करता है शांति रहने के लिए, वही काम हम जनता बोल के मराठी कर रहे, फिर आप हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे, क्यों कर रहे? हमको कुछ नहीं होगा उससे, क्या होगा? हमारा बच्चा ना पीछे आने वाला है ना नहीं कुछ, कितना भी केसेस करो, हम आरक्षण मिलके रहेंगे, लेकिन याद रखना सरकार ने कि हम शांति का आह्वान करते हैं, आपकी बाजू, हम आपकी बाजू सामने समाज को बोल रहे हैं कि शांति रखो, वो तो आपका काम है, लेकिन हम कर रहे हैं, आप तुम शांति से नहीं करने देते, अरे यार ऐसा कैसा सरकार हो सकता है? मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के दौरे पर निकले मनोज जारंगी पाटिल फिलहाल ठाणे शहर पहुंच चुके हैं। ठाणे शहर आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री का शहर है ठाणे शहर, और इसी शहर में मनोज जारंगी पाटिल दाखिल हो चुके हैं। देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मराठा समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं मनोज जारंगी के स्वागत के लिए। फिलहाल इस ठाणे शहर में आरक्षण को लेकर मनोज जारंगी पाटिल क्या बात करेंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में ओबीसी के विरुद्ध में मराठा समाज के नेता आक्रामक हो चुके हैं, और छगन भुजबल की बयानबाजी के बाद विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के जो ओबीसी नेता है, उन्होंने कहा है कि मैं भुजबल से अब दूर रहना ही पसंद करूंगा। मनोज जारंगी पहुंच चुके हैं ठाणे शहर में, स्वागत के लिए कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, दूर दराज इलाके से यहां पर पहुंचे हैं, और अब मनोज जारंगी पाटिल यहां से निकलेंगे और ठाणे के गडकरी रंगायतन में वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आरक्षण को लेकर क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री के शहर में मनोज जारंगी पाटिल, अब ये देखना होगा। दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, News 24 ठाणे। मनोज जारंगी पाटिल का काफिला ठाणे शहर के माजीवाड़ा इलाके में पहुंचा है, और देख सकते हैं कि मराठा समाज के तमाम वो कार्यकर्ता है, सैकड़ों की तादाद में यहां पर पहुंचे हैं, और मनोज जारंगी के स्वागत के लिए या उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। देखिए सामने जेसीबी में
फूल भरकर रखे हैं और जेसीबी से फूल वहां पर बरसाए जाएंगे। ये जो काले कलर की गाड़ी आपको दिख रही है, इस गाड़ी में मनोज जरांगे पाटिल बैठे हुए हैं और देखिए अब उन पर फूल यहाँ पर बरसाए जाएंगे। यहाँ पटाखे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, भव्य स्वागत मुख्यमंत्री के शहर में मराठा समाज द्वारा यहाँ पर किया गया है। थोड़ी देर पहले ही हमसे बात करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मराठा समाज शांतिपूर्वक तरीके से अपना आरक्षण का आंदोलन आगे लेकर जाएगा। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा है, पुलिस का भी बंदोबस्त काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर है। देखिए मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर गाड़ी से बाहर निकलते सबका अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का शहर है, शहर में बड़े बैनर पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं मनोज जरांगे पाटिल के स्वागत के लिए। और यहां पर भीड़ जो है वो भीड़ काफी ज्यादा है, ट्रैफिक को भी यहां पर रोका गया है और यहां पर एक भव्य दिव्य स्वागत मुख्यमंत्री के थाने शहर में यहां पर मनोज जरांगे पाटिल का देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 ठाणे,